नमस्कार दोस्तों स्टडी आई की ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पहली बार नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान को अनाउंस किया है इस मेरीन टर्टल एक्शन प्लान को अनाउंस किया गया था जनवरी 28 के आसपास और इस पर्टिकुलर एक्शन प्लान में इन्होंने बताया है कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व द मेरीन टर्टल्स इनकी क्या भूमिका होती है तो उसी के बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे एंड ऑल्सो इसी मौके पर हम आपके साथ ये भी बात करेंगे कि भारत में आपको कौन से कौन से जो मेजर टाइप्स ऑफ टर्टल्स देखने को मिलते हैं आई एम श्योर आपने अभी तक ऑलिव रिडली सी टर्टल का नाम सुना होगा लेकिन हम आपको कुछ और टर्टल्स के बारे में भी यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे सो so चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध यदि आप लोग इस लेक्चर की पी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके अलावा अपनी डाउट्स या अपनी क्वेरीज को इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई ट्विटर हैंडल यदि आपने स्टडी आई क्यू ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और ऐप आप पे आपके यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च अ कोर्स जिसका नाम है पास्ट प्रिलिम्स डिस्कशन कोर्स यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को बाय करना ना भूलें इसमें हमने पिछले दस साल के पेपर्स को डिस्कस किया है स्पेशली यदि आप दो का प्रिलिम्स में अपेयर हो रहे हैं तो डेफिनेटली कंसिडर टू बाय दिस कोर्स ऑल राइट एज यू कैन सी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये वाला मेरीन नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च और इस अवसर पर जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी उन्होंने कहा डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया वी नीड टू कंजर्व इट एज यू कैन सी पी आई बी की यह न्यूज है अट्ठाईस जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को ये अनाउंस किया गया था साथ ही में इस टर्टल एक्शन प्लान के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने कुछ और गाइडलाइंस भी इंट्रोड्यूस करी थी रिलीज करी थी जिनका नाम है मरीन मेगा फोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस ये बेसिकली गाइडलाइंस क्या है यानी कि इसको आपको ऐसे समझना होगा मान लीजिए कोई शिप है या फिर कोई बोट है ठीक है जिसके चलते कई सारे मरीन एनिमल्स या फिर मरीन जो स्पीशीज हैं उसमें फंस गई हैं उसके कहीं ना कहीं वो हर्ट हो रही हैं या फिर मान लीजिए वो पानी के वॉश ऑफ होने की वजह से कोस्ट पे आके वॉश ऑफ हो चुकी हैं तो उनको हमें किस तरीके से हैंडल करना है इसीलिए मरीन मेगा फोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस ठीक है तो उनके लिए ये वाली गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करी गई हैं इसीलिए ये भी एक जो पहली बार ऐसी चीज करी गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में यहां पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स सो द प्रोजेक्ट बेसिकली इसमें देखिए दो चीजें हैं सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट का ये जो एजेंडा है या एम है वो कह सकते हैं इट कंटेन्स वेज एंड मीन्स टू नॉट ओनली प्रमोट इंटरसेक्टोरल एक्शन यानी कि ऑब्वियसली ये तो ये चाहते ही है कि इसमें अलग अलग सेक्टर जो हैं वो साथ में काम करें इन ऑर्डर टू कंजर्व दीशीज बट ये भी चाहते हैं कि कॉर्डिनेशन भी इंप्रूव हो अमंगस्ट द गवर्नमेंट द सिविल सोसाइटी यानी कि एनजीओ और जितने भी यहां पर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं इन सभी के बीच में कॉर्डिनेशन भी इंप्रूव करी जाए एंड सेकेंड जो मैंने आपको बताया जो मरीन मेगा फोना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस हैं वो इसके लिए लॉन्च करी गई हैं एक्शन शुड बी टेकन फॉर हैंडलिंग स्ट्रैंडेड एनिमल्स ऑन द शोर स्ट्रैंडेड और एनिमल्स इन द सी और ऑन अ बोट रिड्यूसिंग थ्रेड्स टू मरीन स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स या फिर रीहेबिलिटेशन वगैरह वगैरह सो देखिए जो असल में टर्टल एक्शन प्लान था आपको फ्रैंकली बताऊं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हम जे लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है ठीक है हम आपको वो चीज़ें यहाँ पे कवर करवा रहे हैं जो हमें लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा एंड दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑल्सो कि असल में जो टर्टल्स होते हैं इनकी क्या भूमिका होती है मेरीन इकोसिस्टम में समुद्र में इनकी क्या भूमिका होती है उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये एक बहुत ही यूनिक पोजिशन ऑक्यूपाई करते हैं फूड वेब के अंडर ठीक है वो कैसे क्योंकि ये एक एसॉटमेंट खाते हैं यानी कि ये अलग अलग तरह की स्पीशीज पे प्रे करते हैं विच इंक्लूड पफर फिश क्रस्टेशंस स्पॉन्जेस ट्यूनिकेट्स सी ग्रासेज एंड एल्गी और जब ये ये सब चीज़ें खाते हैं तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं फूड वेब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से जो मरीन इकोसिस्टम में सही चीजों को रखा जा रहा है गलत चीजों को हटाया जा रहा है ठीक है सो so, इसीलिए इनको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है और इसी पर्पज से जो नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान है इसको लॉन्च किया गया है केवल यही नहीं इनका जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल है उसको भी समझ लीजिए अनयूजल लाइफ साइकिल होता है ऑफ द टर्टल्स जिसके चलते ये एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिय

प्रोडक्टिव मेरीनबिटेट से उठाकर ले आते हैं टू एनर्जी हैबिटेट्स सच एज सैंडी बीचेस तो ये भी काफी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है जो कि टर्टल्स के द्वारा निभाई जाती है अगर हम स्पेसिफिकली बात करें देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्टल्स हैं जिसकी हम आगे जाके आपके साथ डिटेल में बात करेंगे सबसे पहले लेदर बैग टर्टल है ये क्या करता है जेली फिश को कंट्रोल में करता है जेली फिश को अगर आप खाते हैं या जेली फिश को कंट्रोल में करते हैं तो इन इफेक्ट आप क्या कर रहे हैं कि जेली फिश जो कि आगे जाके और छोटी छोटी मछलियों को खाती है या तंग करती है तो उन इन इफेक्ट आप बेसिकली उन मछलियों को यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं और इन केस लेदर बैक टर्टल यहाँ पे मर जाता है या खत्म हो जाता है उस केस में जेलीफिश आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिसके चलते वो आगे जाके बाकी मछलियों को तंग कर सकती है सिमिलरली अगर हम ग्रीन टर्टल की बात करें ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्टल है इसके बारे में भी हम बात करेंगे ये भी भारत में पाया जाता है ये सी ग्रास बेड्स पे फीड करता है ठीक है और जैसे जैसे ये सी ग्रास बेड्स पे फीड करता है उसी के साथ ये बेसिकली कई सारी न्यूमरस स्पीशीज ऑफ फिश के लिए एक नर्सरी तैयार कर देता है क्योंकि जब इसने सी ग्रास बेड्स के ऊपर फीड करना शुरू किया उनकी क्रॉपिंग करनी शुरू करी इसके चलते क्या होता है बाकी मछलियों को एक तरीके की नर्सरी प्रोवाइड हो जाती है बाकी मछलियों को एक जगह का एक जगह पे खाने को खाना मिलना शुरू हो जाता है सिमिलरलीक्स बिल्ड टर्टल ये भी भारत में पाया जाता है और ये क्या करता है sponges के ऊपर करता है इन द रीफ इकोसिस्टम कोरल रीफ का इकोसिस्टम होता है वहाँ पर ये sponges के ऊपर फीड करता है जिसके चलते ये बाकी मेरीन लाइफ के लिए वहां पे क्रिवाइसिस ओपन अप कर देता है ताकि वो भी वहां पे जाके किनारों में या फिर कहीं छोटे मोटे कॉर्नर्स में जाके या तो रह सकते हैं या फिर वो कुछ खाना पीना खा सकते हैं सो so, कहीं ना कहीं इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है ये केवल आपको एक ओवरव्यू दिया है हमने किस तरीके से टर्टल्स की इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है मैं ये नहीं मानता कि ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएंगी लेकिन ये जो चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक साइंसेज हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि सी टर्टल्स का असल में रोल क्या होता है इन द मरीन इकोसिस्टम अगर बात करें भारत में कौन सी कौन सी स्पीशीज हैं टर्टल की जो देखने को मिलती हैं देखिए कुल मिला के भारत में पांच स्पीशीज हैं जिसमें ऑलिव रिडली टर्टल सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज मानी जाती है इसके बाद ग्रीन टर्टल आती है फिर लॉगर हेड टर्टल आती है फिर हॉक्सबिल टर्टल आती है और फिर लेदर बैक टर्टल आती है यहीं पे अगर आप देखें साथ में हमने इसके आई स्टेटस की चर्चा करी हुई है तो देखिए ऑलिव रिडली और लॉगर हेड टर्टल जो हैं ये दोनों वनरेबल कैटेगरी में फॉल करते हैं इवन लेदर बैक टर्टल जो है ये वनरेबल कैटेगरी में फॉल करता है और जो ग्रीन टर्टल है और जो हॉक्सबिल टर्टल है ये एक इसमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये इसमें से जो है एंडेंजर्ड है तो आप इसको याद करने का कोई निमोनिक तैयार कर लीजिए कि ये वाला वन थ्री एंड फाइव ये वनरेबल है ग्रीन टर्टल एंडेंजर्ड है और हॉक्सबिल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी इन सभी टर्टल्स के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सबसे पहले देख लेते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्टल्स हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दुनिया भर में बहुत कम जगहों पे पाए जाते हैं ठीक है लेकिन अगर आप देखें वैसे ये सबसे भी हैं यानी कि कहने का मतलब कि जहां पर भी ये पाए जाते हैं वहां पर तो बहुत अब लेकिन ये दुनिया भर में बहुत ही कम जगह है, है? तो पर भी होती है वहां पर इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत होती है बट अदरवाइज इनकी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी कम है हर जगह आपको देखने को नहीं मिलती है ये सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल्स होते हैं एंड दे आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स इस चीज को समझिए मैंने आपको जो एनालॉजी यहां पे समझाई है और ये जो टर्टल्स हैं आपको मालूम होना चाहिए इनका एक नेस्टिंग मास नेस्टिंग का पीरियड होता है जिसको कहा जाता है अरीबाडा जो लोग ओडिशा से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे कि जिस टाइम पे ऑलिव रिडली सी टर्टल्स का अरीबाड़ा का मास नेस्टिंग चल रहा होता है उस टाइम पे जिस भी बीच के ऊपर मास नेस्टिंग चल रही होती है वहां पर दे आर आउट ऑफ बाउंड फॉर द टूरिस्ट फॉर एनी बडी वहां पर कोई भी विजिट नहीं कर सकता बिकॉज गवर्नमेंट ये मानती है कि हमको उनकी मास नेस्टिंग के टाइम पे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ठीक है ऑल्सो अगर आप देखें ये जो स्पीशीज हैं ये हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी पहली अनुसूची में लिस्टेड है पहली अनुसूची यानी कि इनको हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है और जो साइट्स हैं उसमें भी अपेंडिक्स वन में इनको लिस्ट करवाया गया है अगर बात करें कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो देखिए भारत में जो भीतर कनिका नेशनल पार्क है वहां पे पाया जाता है उसके बाद जो गहिरमठ बीच है वहां पर भी इनको पाया जाता है राइट right? इसके अलावा अगर हम दुनिया में बात करें तो ये हमेशा ही आपको वार्म वाटर्स में देखने को मिलेंगी ये आपको कोल्ड वाटर्स में देखने को नहीं मिलते हैं ऑलिव रेडली सी टर्टल्स इसके अलावा ग्रीन टर्टल देखिए ग्रीन टर्टल जो है इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन टर्टल के दो सर होते हैं तो इट इज ऑल्सो समटाइम्स फेमसली नोन एज द टू हेडेड ग्रीन टर्टल और ग्रीन क्योंकि इसका जो रंग है ये ग्रीन कलर का है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है बट ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी जो हमारा साइट्स का अपेंडिक्स वन है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है साइट्स के अपेंडिक्स वन में इंक्लूड किए जाने की जो भूमिका होती है वो ये होती है कि इसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते हैं इसमें आप अवैध रूप से व्यापार नहीं कर सकते हैं जब तक आपको सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिल जाती है सिमिलरली लॉगर हेड टर्टल्स की बात कर लेते हैं लॉगर हेड बेसिकली इनका नाम लॉगर हेड इसीलिए है क्योंकि इनके जो सर हैं ये काफी बड़े होते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस अगर आप इस इमेज में देखें तो इसमें एक थोड़ा सा ऑरेंज कलर का टिंज आपको देखने को मिलता है कुछ में ये ऑरेंज होता है कुछ में ये गोल्डन होता है ये भी इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि ना तो आपको यहां देखने को मिलेगा ना ही आपको यहां देखने को मिलेगा दिस इज समथिंग वेरी पेक्यूलियर टू लॉगर हेड टर्टल्स तो इसको भी ध्यान रखिएगा और ये जो है अधिकतर रूप में आपको मेडिटरानियन सी में ग्रीस टर्की इजराइल लिबिया में देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो मेडिटरानियन सी के आसपास जितने भी ये वाली कंट्रीज हैं वहां पर आपको देखने को, देखने को को टर्टल्स मिल जाते हैं भारत में भी पाए जाते हैं इसमें कोई शक नहीं अगर बात करें हॉक्सबिल टर्टल की तो ये भारत में पाए जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड और द तो कोस्ट ऑफ उड़ीसा के पास में पाए जाते हैं ये वाले जो हॉक्सबिल टर्टल हैं हॉक्स टोल्ड यू कि ये इनकी खास बात क्या है कि ये जो कोरल रीफ का इको होता है उसके आसपास जाके रहते हैं सो so, कोरल रीफ इको में ये थोड़े थोड़े रीफ इको को खाते हैं जिसकी वजह से ये वहां पे क्रिवाइसिस क्रिएट करते हैं क्रिवाइसिस क्रिएट करने की वजह से बाकी एनिमल्स वहां पे आके स्टे कर पाते हैं तो ये इनकी खास बात है रिमेंबर हॉक्स टर्टल को आपको याद रखना है विद द कोरल रीफ इको सिस्टम एंड द लास्ट टर्टल दैट इज द लेदर बैक टर्टल ये आप देख सकते हैं देखने में ही कितना बड़ा लग रहा है एंड अनडाउडली दे आर द लार्जेस्ट सी टर्टल्स जो कि आपको देखने को मिलेंगे ये आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेड वाटर्स ऑफ अटलांटिक पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन में ठीक है ये भी आपको भारत में जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास देखने को मिल जाते हैं सो so ये आप देख भी सकते हैं लेदर बैक ये देखने में एकदम काला है और इसीलिए इसको लेदर बैक वाला जो लुक भी दे आता है इसीलिए इसको लेदर बैक

इंटरचेंजेबली uh, यूज करते हैं लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है देखिए टोटॉयज टौ जो है ये टर्टल की कैटेगरी में आते हैं लेकिन सभी के सभी टर्टल जो हैं वो टॉटॉयज टौ की कैटेगरी में नहीं आते यानी कि अगर आपको इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो ये जो बड़ा सर्कल है ये रिप्रेजेंट करेगा टर्टल्स को और इसके अंदर एक छोटा सर्कल है जो कि रिप्रेजेंट करेगा टोटॉयज टौ को तो इसीलिए वी कैन से ऑल टोटॉयज आर टर्टल्स बट नॉट ऑल टर्टल्स आर टॉटॉयज ठीक है तो टोटॉयज होते हैं इसमें क्या फर्क होता है देखिए टोटॉयज आर मोर राउंडेड एंड डोम्ड शेल्स अगर हम टर्टल्स की बात करें तो ये थिन होते हैं और वाटर डायनेमिक शेल्स होते हैं और यही इनकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है जो टर्टल्स हैं ये आपको इनका जो शेल बना होता है इस तरीके से बना होता है दैट दे कैन स्पेंड देयर टाइम इन वाटर ऑल्सो लेकिन जो टोटॉयज हैं ये अपना अधिकतर टाइम असल में लैंड पे ही स्पेंड करते हैं इनफैक्ट जो टर्टल की शेल्स होती हैं इस तरीके से बनी होती हैं कि ये स्विमिंग भी कर सकते हैं लेकिन टोटॉयज टौ स्विमिंग करने के काबिल नहीं होता है दैट इज़ प्राइमरि बिकॉज उनका जो शेल होता है उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो उस तरीके से नहीं बनी होती है सो so, इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी याद रखिएगा इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ